इस गाने से उन्हें एक अलग ही पहचान मिली थी। सिद्धार्थ शर्मा जो कंगना रनौत के शो लॉकअप से सुर्खियां बटोर रहे हैं, वह एक मॉडल, एक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। सिद्धार्थ शर्मा को उनके फैंस अल्ट बालाजी की वेब सीरीज पंचबीट में रणवीर चौधरी के रोल से भी जानते हैं। वह इस सबसे पहले कई और भी रियलिटी शो में नजर आ चुके हैं, जिनमें एमटीवी स्प्लिट्स विला सीजन 10 बिग एफ शामिल है। तो चलिए जानते हैं सिद्धार्थ शर्मा के बारे में उनकी पूरी लाइफ स्टोरी। मेरा नाम सोनी आनंद है और आपका हमारे चैनल आनंद बज में स्वागत है। ऐसे ही वीडियोस और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। सिद्धार्थ शर्मा का जन्म 21 मई 1995 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है। 13 साल की उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता के जाने के बाद उनकी माँ अनुराधा शर्मा ने उन्हें एक अच्छी परवरिश दी। उन्होंने अपने स्कूलिंग दिल्ली के ही मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल से की है। स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। सिद्धार्थ शर्मा को शुरू से ही अभिनय के फील्ड में अपने आप को ले जाना था, इसलिए वह स्कूल के दिनों से ही अभिनय और ड्रामा प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे। उन्हें पहला मौका मिला टीवी शो बिग एफ सीजन 2 में पार्टिसिपेट करने का। इसके बाद उन्हें अल्ट बालाजी की पॉपुलर वेब सीरीज पंचवीट में अभिनय करने का मौका मिला। इस वेब सीरीज में रणवीर चौधरी के रोल से उन्हें अच्छी खासी पहचान मिल गई थी। इसके बाद वह एमटीवी के शो एमटीवी स्प्लिट्स विला के सीजन 10 में नजर आए और फिर से अल्ट बालाजी की एक और वेब सीरीज साइबर स्क्वाड में भी नजर आए। साल 2018 में सिद्धार्थ शर्मा ध्वनि भानुशाली के सॉन्ग ले जा रे में भी नजर आए। उन्हें इस गाने से काफी लोकप्रियता मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ शर्मा एमटीवी स्प्लिट्स विला से ही अक्षता सोनावने को डेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पब्लिकली कभी भी अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अगर सिद्धार्थ शर्मा की शारीरिक बनावट की बात करें तो उनकी हाइट 5 फीट 9 इंच है, वहीं उनके आंखों और बालों का रंग काला है। तो दोस्तों, यह रही सिद्धार्थ शर्मा के बारे में उनके लाइफ से जुड़ी अभी तक की जानकारी। आपको सिद्धार्थ शर्मा लॉकअप में कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।